इटावा मुख्यमंत्री को 6 माह का राशन दुकानदारों का जिलाधिकारी द्वारा कमीशन का भुगतान न मिलने के कारण जिला इटावा के राशन दुकानदारों ने हड़ताल करने का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि दाम नहीं तो काम नहीं। आज पूरे शहर के राशन दुकानदारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सब लोग लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए एक तरफ उपभोक्ता भी राशन डीलरों की तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी सरकार से मांग की है कि राशन डीलर अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और उनका कमीशन का रुपया समय से सरकार नहीं दे रही है, इसलिए डीलर परेशान हैं। ज्ञापन देने वालों में महेश बाबू, जिलाध्यक्ष दीपिका गुप्ता, नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष सुशीला तिवारी, समीर खान, संगीता देवेंद्र, बाबू शाकिब, विनय प्रकाश एवं बॉबी सर्वेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। जो पैसा है हम लोगों ने जमा किया था, शासन से आदेश आया कि फ्री बांटो तो फ्री बांट दिया, आज तक वो पैसा नहीं मिला जी। तो हम लोगों की जो समस्या है, पैसा दिया जाए, दाम मिलेगा तभी काम चलेगा। इसके बाद हम लोग हड़ताल पर है पूरी तरह। जब तक हमारा पैसा खाते में नहीं आएगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग हैं। यदि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो हड़ताल पे है हम लोग, दुकानें बराबर बंद रखेंगे, हम लोग दुकानें बराबर बंद रखेंगे, मशीन नहीं खोलेंगे। ये समस्या आपने किसी उच्च अधिकारी को बताई अपनी? हाँ, तो बताने आए थे, डीएम साहब है नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ज्ञापन दे दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया कि हम आपकी पहुँचाएंगे सर शासन को और जिला पूर्त अधिकारी को, हम लोग देने जा रहे हैं ज्ञापन अभी, उसके बाद जिला पूर्त अधिकारी देंगे, हमारे मार्केटिंग अधिकारी को देंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।